खबर उत्तर प्रदेश संभल से। निकाय चुनाव में संभल में सपा में बड़ी बगावत हुई है। सपा सांसद शफीकुल रहमान बर्क ने ऐलान करते हुए कहा कि वे पार्टी से नहीं डरते, पार्टी मुझे निकाल दे मुझे कोई परवाह नहीं, वे डर कर काम नहीं करते। अखिलेश ने इंसाफ नहीं किया, उन्होंने आजाद लड़ाने का वादा किया था बावजूद इसके टिकट दे दिया। वे जो कर रहे हैं आवाम को भी कर रहे हैं। संभल नगर पालिका चुनाव में सपा में हुई बगावत का सांसद शफीकुल रहमान बर्क ने खुलेआम ऐलान कर दिया। सपा प्रत्याशी शहर विधायक की पत्नी रुखसान अकबाल के खिलाफ निर्दलीय फराना को चुनाव लड़ा रहे हैं। सांसद शफीकुल रहमान बर्क ने बीती रात मियां सराय में हुई चुनाव सभा में अखिलेश यादव और शहर विधायक इकबाल अहमद को चुनौती दे दी है। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव ने आजाद लड़ाने का वादा किया था, जो भी जीतेगा वह पार्टी का कैंडिडेट होगा, बावजूद तो उन्होंने टिकट दे दिया पार्टी उन्हें निकाल दे, वे डर कर काम नहीं करते। वही उन्होंने कहा कि सपा कहां का नोटिस देगी, वे आवाम को काम कर रहे हैं। विधायक इकबाल महमूद के गृह क्षेत्र मियां सराय इलाके में एक सभा में सांसद ने सपा विधायक को चैलेंज किया है। समाजवादी ने आपके नोटिस जारी तो ना करा है क्या? तो मैं मुझे नोटिस जारी करेंगे आपकी पार्टी ने? पार्टी से मैं डर के थोड़े कर रहा हूँ काम, पार्टी मुझे निकाल दे मुझे कोई परवाह नहीं वाले काम करूँ। मैं तो आवाम के लिए काम कर रहा हूँ, आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। जब उन्होंने ना इंसाफ नहीं किया और टिकट ये हमसे वायदा किया था के यहाँ पर आज़ाद लाएंगे जो भी लड़ेंगे और जो कामयाब होगा वो पार्टी का कैंडिडेट होगा, हमने ये कह दिया था। किसी को टिकट न दीजिए लेकिन इसके बावजूद टिकट दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।